We explore to leap forward to a world of sustainability. We experiment to bring the original volume to a new life. We redefine one piece of paper by finally fitting it onto the new Realme GT2 series. दोस्तों, Realme GT 2 Pro प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बिकने वाला Realme का सबसे महंगा फ़ोन है, लेकिन यह सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक है जिसे आप Qualcomm के टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर के साथ खरीद सकते हैं। इसका सिर्फ एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है और वह Motorola ADG 30 Pro है। दोस्तों, 50,000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ GT 2 Pro में बहुत कुछ है, जैसे कि 2K डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, कैमरों का एक अच्छा सेटअप और एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस का प्रोसेसर। Realme GT 2 Pro के बैक पैनल में एक ऑप्शनल यूनिक टेक्सचर है। कहा जाता है कि यह पेपर प्रोडक्ट्स फील देने के लिए लगाई गई है। इसके बैक में इस्तेमाल हुई स्पेशल मटेरियल को लेकर Realme का कहना है कि इसे रिन्यूएबल सोर्सेज से लिया गया है और फोन के व्हाइट और ग्रीन वर्जन में इस्तेमाल किया गया है। वही स्टील ब्लैक वेरियंट के फ्रोस्टेड टेक्सचर के साथ एक कॉमन ग्लास पैनल मिलता है। Realme GT 2 Pro का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका डिस्प्ले है, जो आमतौर पर महंगे एंड्रॉयड फ्लैश चिप में मिलता है। इसके 6.7 इंच एमोलेड पैनल में 2K हाई रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, जिसमें 10 बिट की कलर डेप्थ और 1400 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है। इसके अलावा Realme ने स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टम को यूज किया है। कहने की जरूरत नहीं है कि गेम खेलने और वीडियो देखने के लिए इसका डिस्प्ले बेहतरीन प्रदर्शन करता है। Realme GT 2 Pro के बेस वेरियंट की कीमत 50,000 रुपये की रेंज में। यह 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है। वही 57,000 रुपये वाले वेरिएंट में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दिया गया। Realme GT 2 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen वाला प्रोसेसर है। यह 5G बैंड को सपोर्ट करता है और आपको दोनों सिम के लिए ड्यूल 5G सपोर्ट मिलता है। इंडिया में आने वाली 5G नेटवर्क के लिए यह फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों, फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर है जो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है। एप्पल के ट्रू टोन फीचर की तरह इसमें डिस्प्ले कलर वाइट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए फ़ोन में फ्रंट और बैक में कलर टेम्परेचर सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट फीचर के तौर पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में हार्ट रेट मॉनिटरिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। Realme GT 2 Pro में एक स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग चैम्बर दिया गया है, जो फ़ोन को ओवरहीटिंग से बचाने का वादा करता है। सॉफ्टवेयर में GT मॉडल टॉगल शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह हैवी एप्स को और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए थ्रॉटलिंग से रोकता है। Realme GT 2 Pro Android 12 पर बेस्ड Realme UI 3.0 पर चलता है। इंटरफेस का लुक कस्टमाइजेबल और यह स्मूथ रन करता है। फ़ोन में बहुत सारे बंडल ऐप हैं, जिनमें Realme स्टोर और कम्युनिटी भी शामिल है। इनमें से ज़्यादातर को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। Realme के फर्स्ट पार्टी ऐप्स से नोटिफिकेशन स्पैम या किसी और इश्यू का सामना नहीं करना पड़ता। इस फोन के साथ Realme ने 3 साल के Android OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। मुझे लगता है कि यह विश्वास बनाए रखने का अच्छा तरीका है। दोस्तों, अब हम इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। Realme GT 2 Pro को साथ रखना भारी भरकम नहीं लगता। फोन बहुत मोटा नहीं है और वजन 189 ग्राम है, जिससे यह लाइट महसूस होता है और इसे कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि इसका ग्लास बैक वेरिएंट थोड़ा भारी है, जिसका वजन 199 ग्राम है। दोस्तों, GT 2 Pro ने पॉपुलर सोशल और प्रोडक्टिविटी एप्स अच्छे से हैंडल किया है। इसका इंटरफेस हमेशा तेज और फ्लूइड था। इसकी यह बात खास है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के सेंटर के करीब है। फोन की बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। सिंगल चार्ज में फ़ोन को एक दिन और इसे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में यह फ़ोन 20 घंटे और 41 मिनट तक चला। इसकी 5000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी और 65 वोल्ट का चार्जर से करने में बहुत समय नहीं लगता। आप इसे पूरी तरह से आधे घंटे से अधिक समय में चार्ज कर सकते हैं, यानी यह काफ़ी तेज चार्ज होता है। दोस्तों, Realme GT 2 Pro के कैमरे के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। Realme GT 2 Pro के कैमरों का एक अच्छा सेट है। यह दिन और कम रोशनी में अच्छा परफॉर्म करता है। Realme ने मेन रियर कैमरे के लिए सोनी IMX766 50 मेगापिक्सल सेंसर को इस्तेमाल किया है। इसमें ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन के साथ एक वाइड f1.8 अपर्चर भी है,
यह 8K रेजोल्यूशन में 24 FPS की दर से वीडियो शूट कर सकता है। दिन के उजाले में ऑटो फोकस क्विक था और लैंडस्केप शॉट्स में रिच डिटेल और कलर मिले। क्लोजअप शॉट्स में एक्सीलेंट डिटेल्स के साथ शानदार बैकग्राउंड कलर आया। लो लाइट फीचर्स भी बहुत अच्छी थी, उसमें कम नॉइज और एवरेज से ज़्यादा डिटेल थी। OIS की वजह से लो हाइट के क्लोजअप्स में शार्प अच्छी देखने को मिली। दोस्तों, Realme GT 2 Pro में 50 MP का सैमसंग Z1 सेंसर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इसे हमने OnePlus 10 Pro रिव्यू में देखा है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स में कम डिटेल मिली और कलर भी सीन के लिए बहुत सटीक नहीं थे। दोस्तों, यह लेंस के फुल फील्ड ऑफ व्यू का फायदा उठाने देता है। लो लाइट फोटो उतनी ब्राइट नहीं थी जितनी मैंने कैमरे के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने Realme GT 2 Pro के बारे में आपको डिटेल्स साझा की है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।